हम नीतीश कुमार जी से एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इतना बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उसमें जो भी पुल पुलिया और विकास हो रहे हैं उसमें केंद्र सरकार की भूमिका ज़्यादा है, उसको लेकर नीतीश कुमार पर लगातार कई आरोप लगाए हैं। सुनेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। दायित्व दिया गया है सभी विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बिहार की आवाज को, बिहार के जनमानस की आवाज सरकार तक पहुंचाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, हम इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर उनको भी मैं आग्रह कर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। यह अब आप ही एक रास्ता है, जनमानस में किन चीजों की चिंता हो रही है, कहाँ नीतीश कुमार की सरकार फेल हो रही है, जो वादे किए हैं उसको कहाँ निभाया नहीं जा रहा है, जो सपने दिखाए गए हैं 20 लाख पक्की नौकरी का गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती से, उसको यदि नीतीश कुमार जी पूरा नहीं करते तो उसको सचेत करने का। और हमारे तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, ये तमाम 76 लोग हम लोग विधानसभा में इसकी आवाज बनकर विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में काम करेंगे और विधान परिषद में जो हमारे 23 माननीय विधान परिषद सदस्य हैं सभी लोग पूरे बिहार की चिंता करेंगे। जो जंगल राज स्थापित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो जंगल राज स्थापित उनको नहीं करने देंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में कमल का 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे और 2025 के चुनाव में यहाँ एब्सोल्यूट सरकार बनाकर नीतीश कुमार को बिहार की जनता तमाचा मारने का काम करेगी। साहब, बिहार में जिस तरह विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है, जनता के जनमानस का अपमान किया है, जनमत का अपमान किया है, और जिस तरह आपने देखा लालू जी कहते थे कि नीतीश वैसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा ठगा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, आज उसी ठगबंधन का गठबंधन हो गया है। तो हम लोगों को उनसे लड़ना है, जंगल राज स्थापित नहीं होने देना है, बिहार के विकास को और गति देना है। और हम तो पूछना चाहते हैं, अब तो लगातार हम लोगों का काम ही है, हम ये जानना भी चाहते हैं नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से, गंगा पे जितने पुल बने वो कहते हैं कि हमने कराया है, तो हम तो जानना चाहते हैं 13 पुल में लगभग काम लगे हैं, एक पुल का नाम बताएं जो वो अपने पैसे से कराते हो, चाहे वो 2 ब्रिज का काम राज्य सरकार ने किया सुल्तानगंज और एक आरा से छपरा, वो दोनों ब्रिज भी नाबार्ड के पैसे से भारत सरकार ने पैसा दिया, और जितना ब्रिज बन रहा है सारे तथ्यों को हम लोग स्पष्ट तौर पर रखेंगे। गांधी सेतु हो, सोनपुर ब्रिज हो, या सोनपुर ब्रिज के बगल में ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो साहबगंज पूर्णिया के इलाके में कटिहार को जोड़ने वाला ब्रिज हो, मुंगेर का ब्रिज हो, भागलपुर का ब्रिज हो, सभी ब्रिज को भारत सरकार के अनुदान के द्वारा बनाने का काम किया गया। नीतीश कुमार कहते हैं पैकेज नहीं मिला, मैं तो पूछना चाहता हूं नल जल योजना में जिस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नल जल योजना गांव गांव तक पहुंचाना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की सरकार ने कहा कि हम 12,000 करोड़ रुपया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ईगो हमारा क्लैश होगा,
और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 36,000 करोड़ रुपया नल जल योजना पे खर्चा हुआ, गली पक्की नली पर खर्चा हुआ, उसमें 25,000 करोड़ रुपया 13वां, 15वां और 14वां वित्तीय योजना के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। आप क्या समझा रहे हो? आज बिहार के बजट का 2,37,000 करोड़ बजट है और किसी न किसी रूप में 1,70,000 करोड़ का बजट भारत सरकार के सहयोग से मिलता है, चाहे वह रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर। क्या समझाना चाह रहे हैं बिहार के लोगों? नीतीश कुमार जी केंद्र के सहयोग से डबल इंजन की सरकार थी और लगातार गरीबों को ठगने का काम किया है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा साथी, गरीबों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं। आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है उस तरह सत्ता में बैठने के लिए आपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे हैं और ये 8 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आपने लगातार कपड़ा बदल बदल कर उनको ठगने का काम किया है। इसलिए हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम विधायक, MLC, सांसद, हम नीतीश कुमार जी से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, इतना आश्वस्त करता हूँ।